जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत बायोडाइवर्सिटी के मामले में रिच और लीडिंग कंट्री है, लेकिन ये भी सच है कि कई पशु पक्षियों पर एक्सटिंक्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। गंभीर खतरे और अन्य विलुप्त पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए सरकार कई योजनाएं पॉलिसीज लाई है, लेकिन सफलता नहीं पा रही है। मेरा माननीय मंत्री से यही सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित कई पक्षियों की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है और पक्षी की कई स्पीशीज पर संकट खड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वहाँ पर भी मोर बहुत कम नज़र आने लगे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर्स क्या क्या विशेष कदम उठाए हैं और वो सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा, वो मथुरा से आती हैं और भगवान कृष्ण के भी मोर पंख ही सिर्फ हम देखते हैं। बाकी जो हमारे तमिलनाडु के मित्र हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि वहाँ भी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की इनकी सवारी भी मोर है। तो मोर हमारी पूरी पौराणिक सभ्यताओं में है। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं और विशेष रूप से टाइगर कंजर्वेशन, लायन कंजर्वेशन, एलिफेंट कंजर्वेशन, इनके लिए तो हम चलाते ही हैं, लेकिन जहाँ तक ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इसके लिए हम समय समय पर नोटिफिकेशन भी निकालते हैं। और एक जो सबसे बड़ा खतरा है कि जो कई पक्षी ऐसे हैं जिनके शिकार किया जाता है और उनके कई भागों का उपयोग कई अन्य तरीके से किया जाता है, उसके लिए भी हम अपने क्राइम ब्यूरो की तरफ से एक सख्त प्रोटेक्शन के मेजर्स करते हैं। जो पक्षी एंडेंजर्ड हैं उनके ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर हमने चलाए हैं और उसमें भी अपेक्षित सफलता प्राप्त करी है। श्री राम शंकर राजभर